Hello everyone, this is Venu and welcome back to my YouTube channel, which is all about Canada. So this video is going to be about IELTS listening. So you get 40 questions to answer and aapko approximately 30 minutes milte hain answer karne ke liye, and extra 10 minutes are given to transfer your answers into your answer sheet. Important thing to be kept in mind is aap jo क्वेश्चन पेपर है उसे देख नहीं सकते हैं बिफोर यू कंप्लीट लिसनिंग टू योर पैसेज और द कॉन्वर्सेशन. सो क्वेश्चन टाइप्स बहुत वेराइटीज के होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू सेंटेंस कंप्लीशंस टू मैच द फॉलोइंग डायग्राम लेबलिंग और समरी कंप्लीशन, नोट कंप्लीशन, फ्लो चार्ट कंप्लीशन एट्सेट्रा. You get 1 mark for each correct answer. आपके जो listening conversations होंगे वो 4 होंगे. हर एक conversation के बारे में आपको 10 questions पूछे जाते हैं, which makes up to the total number of 40 questions. Okay? जो भी questions पूछे जाते हैं वो उसी order में पूछे जाते हैं जिस order में आपके answers उस कॉन्वर्जेशन में आपको मिल सकते हैं. आपको लिसनिंग के लिए दिया होता है कंटेंट, उसके जो ऑर्डर में जो चीज़ बताई गई है उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आप ऑर्डर वाइज अपने आंसर्स को याद रख सके. सो माय टिप टू यू विल बी कि आप क्वेश्चन पेपर में आपको जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगे उसके नोट्स बनाते रहे, वेदर इट बी कि कौन किससे बात कर रहा है, जो भी नेम्स आए, कस्टमर है या सेल्स एसोसिएट है या जो भी उनके डेजिग्नेशंस है, क्या कंप्लेंट्स है, जो कॉन्वर्जेशन है वो किस टॉपिक के बारे में है, क्या प्रॉब्लम हुई है या क्या इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड की गई है, उसके ऊपर आप डिटेल में जाए और ट्राई टू राइट डाउन. कि आप देख नहीं सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो आपको अपने जजमेंट से लाइक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगे, जो भी इंपॉर्टेंट नंबर बोला गया हो या ईमेल एड्रेस बोला गया हो, उसे नोट डाउन करने की ट्राई कीजिए. 2 आपके जो कॉन्वर्जेशंस होंगे वो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड या सोशल कॉन्टेक्स्ट्स में दिए गए होंगे. बाकी के 2 कॉन्टेक्स्ट्स होंगे वो कुछ एजुकेशनल टेक्स्ट्स होंगे या कॉन्वर्जेशंस होंगे बिटवीन 2 मेन स्पीकर्स, बिटवीन 2 मेन स्पीकर्स. तो पार्ट 1 होगा लाइक एग्जांपल 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन हो, के बीच में ट्रैवल अरेंजमेंट्स के रिलेटेड डिस्कशंस हो. पार्ट 2 अगर आप देखें तो मोस्टली मोनोलॉग होगा. मोनोलॉग का मतलब है एक ही इंसान एक ही डायलॉग या एक पैराग्राफ अपने हिसाब से बोल रहा है. देर इज़ नॉट अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन 2 पीपल, दैट इज़ कॉल्ड अ मोनोलॉग. 3rd जो आपका जो कॉन्वर्जेशन होगा वुड बी बिटवीन 2 मेन स्पीकर्स, लाइक फॉर एग्जांपल 2 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं और उनको गाइडेंस दे रहे हैं उनके ट्यूटर. सो दैट वुड बेसिकली बी अ काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन दैट यू मे एक्सपेक्ट. और जो आपका 4th पार्ट होगा उसमें अगेन एक अकेडेमिक मॉडल के ऊपर मोनोलॉग होगा. तो इस तरीके से जो 1st 2 होंगे वो एक नॉन एजुकेशनल बैकग्राउंड के रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट होंगे और लास्ट के 2 आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट होंगे. बट बेसिकली जो 2 और 4 पार्ट है वो दोनों मोनोलॉग्स होंगे और पार्ट 1 और पार्ट 3 में 2 मेन स्पीकर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन होगा. सो दैट्स एन ओवरऑल आइडिया कि क्या आपको बेसिकली आएगा, कॉन्वर्सेशंस किस टाइप के होंगे. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो कॉन्वर्सेशंस आप सुनते हैं यू कैन लिसन ओनली वंस. सो बहुत ध्यान से फुल्ली अलर्ट होकर आप हर एक चीज़ सुने, नोट डाउन करें. इवन इफ आपको लगता है इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर या शॉर्ट फॉर्म्स में लिख दे, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स जो अगर आप पढ़े तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या बोला गया है. एंड ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू लाइक फीड एज मच इन योर मेमोरी एज यू कैन ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन सो दैट आप आंसर्स एकदम करेक्टली आंसर कर पाए. जो भी कॉन्वर्जेशंस होंगी वो बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ लैंग्वेजेस या एक्सेंट्स में होंगी, लाइक ब्रिटिश, अमेरिकन, कनेडियन,
ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, ये सारी एक्सेंट्स का कॉम्बिनेशन हो सकती है, इनमें से कोई भी एक्सेंट्स आ सकती है. सो माय सजेशन वुड बी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा या तो प्रेफरेबली न्यूज़ चैनल्स देखें, इफ़ नॉट या छोटे से वेब शोज़ या यू नो वीडियोस देखें अलग अलग एक्सेंट्स के, सो दैट आप अगर वो फास्ट भी कॉन्वर्जेशन है आप वर्ड्स को समझ पाए. बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला क्या बोल रहा है. लाइक कि एक्सेंट को पकड़ना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो ट्राई एंड लिसन टू एज मच टेक्स्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एज यू कैन टू मेक योर होल्ड ऑन लैंग्वेजेस फर्मर एंड स्ट्रॉन्गर, सो दैट आपके एक्सेंट पे होल्ड अच्छा हो सके और आप समझ पाए कि कौन सी एक्सेंट है और किस एक्सेंट में किस वर्ड को किस तरीके से बोला जाता है. ओके और एक बात कि जब आप अपने आंसर्स को लास्ट के 10 मिनट्स में आप जब ट्रांसफ़र करते हैं, प्लीज़ कीप इन माइंड कि उसमें भी कोई ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स ना हो, बिकॉज इसके लिए भी यू कैन बी पेनलाइज्ड और यू कैन लूज योर मार्क्स इवन तो आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है. सो पूरे पेपर में कोई भी सेक्शन में यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक अ स्पेलिंग मिस्टेक और अ ग्रामेटिकल एरर इन एनी केस. सो बहुत अलर्टनेस और अच्छी लिसनिंग एबिलिटी की ज़रूरत है इस टेस्ट के लिए. So that's basically a brief idea about IELTS list. There is not much to be discussed regarding listening because ये basically आपके abilities पर depend करता है and nobody can teach you how to listen. But ज़्यादा से ज़्यादा आप practice करें, papers solve करें, आप listening जो contexts है उन्हें सुने and try to अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हैं और कितनी जल्दी आप ग्रास्प कर पा रहे हैं. एंड विथ टाइम एंड विथ प्रैक्टिस आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं. एंड दिस इज़ समथिंग जो सिर्फ आपको याद रखना है, सुनना है एंड लिखना है. इसमें देर इज़ नथिंग दैट आपको अपना एडिशनल नॉलेज अप्लाई करना है. सो आई फील कि दिस इज़ द बेस्ट सेक्शन टू स्कोर. सो या विथ दैट सेड, that's a brief idea about IELTS listening. If you want any more details or if you have any queries, please do write down in the comment section below. If you like the video, give it a thumbs up, share it with your friends and family, and do subscribe to my channel, which is all about Canada. I will see you very soon in my next video. Till then, abhi hai tot.